फिर अभी आपकी मूवी भी आ रही है काफ़ी, 2011 सिंगम के बाद ये बड़ी मूवी है मानी जा रही, देखा जाए तो इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है इस साल का गणपति उत्सव मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है गणेश फेस्टिवल के तुरंत बाद, और बहुत दिनों बाद मेरी हिंदी फिल्म आ रही है। आपने सिंघम देखी होगी इसके पहले, जो 100 करोड़ वाली जो गैंग थी उनमें से पहली ही फिल्म थी वो, तो बड़ा अच्छा लगा था बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंघम। और अब पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है जिसमें मैं सनी पाजी के वाइफ का रोल कर रही हूँ, इसमें बॉबी भी है, श्रेयस भी है, श्रेयस ने खुद डायरेक्ट की है ये फिल्म, और आई मस्ट से श्रेयस ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने एक्ट्रेस को भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया था। फिल्म का जॉनर ये कॉमेडी है और बहुत ही फैमिली एंटरटेनर हैं हम कह सकते हैं, और सनी पाजी की और मेरी जोड़ी बहुत ही खास है, क्योंकि सनी पाजी का कैरेक्टर मज़ेदार है, वो हमेशा अपने सेलफोन में लगे रहते हैं, हमेशा सेल्फीज़ लेते रहते हैं। फिल्म में आप बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखोगे जहाँ पे आप हंस पड़ोगे कि ये हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। और मैंने पहली बार ऐसा पंजाबी लुक परिधान किया है, मैंने कभी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं किए हैं। मिशन कश्मीर में मेरा एकदम बिल्कुल ही कश्मीरी लुक था, और दिल चाहता मैं एकदम मॉडर्न था। अलग अलग अग्निवर्षा नाम की फिल्म थी उसमें तो मैं ट्राइबल थी, टैक्सी नंबर 9211 में एक मिडिल क्लास वाइफ थी। अब जाके ये थोड़ा सा पंजाबी या हरियाणवी लुक पहनने में मुझे बहुत मज़ा आया था। देखा जाए तो मूवी का कुछ थॉट अलग दिख रहा है पोस्टर को देखा जाए तो, फिर तो क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? पोस्टर बॉयज़ में एक बहुत ही फनी सिचुएशंस हैं, गांव के तीन जेंटलमैन हैं जो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें उनकी गलती एक्चुअली है नहीं, लेकिन गलती से वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं फैमिली में, पूरी सोसाइटी में, और वो कैसे उनका सामना करते हैं, उनकी फैमिलीज उनका साथ देती हैं नहीं देती हैं, इट इज़ अ ह्यूमरस टेक ऑन दैट। गणपति की कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं जो स्पेशल हो आपके लिए? मैं पूना से हूँ तो गणेश उत्सव पूना में बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट होता था। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे बहुत सारे नाटक होते थे, डांस होते थे, म्यूज़िक, तो इट वाज एक्चुअली अ कल्चरल एक्सचेंज जहाँ पे बड़ों से काफ़ी कुछ सीखना मिलता था। काफ़ी सारी आरतियाँ सीखी मैंने, कॉफ़ी कैसे बनानी होती है 50 लोगों के लिए, ये मैंने गणेश उत्सव में सीखा था। कॉम्पिटिशन्स होते थे बच्चों के लिए, और मुझे लगता है मेरे लिए गणेश फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा पहला ऑडियंस मुझे गणेश फेस्टिवल में मिला है जो कि मेरे सोसाइटी के लोग थे, और उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया था, हमेशा ये आके बोला था, पीठ थपथपाई थी और बोला था कि तुम अच्छा काम करती हो, तुमने हमें कितना हंसाया, तुमने हमें कितना रुलाया, तो ये जो हौसला था वो मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि ये मेरे पहले ऑडियंस थे। तो मैं, मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी भर उनको याद रखूंगी क्योंकि अगर कुछ सीखा है तो मैंने मेरे गणेश फेस्टिवल के दिनों में सीखा है जब मैं छोटी थी। इस साल की कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं जो स्पेशल हो आपके लिए? इस साल डेफिनेटली स्पेशल है क्योंकि ऑफकोर्स पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हो रही है और मेरे पास इतने सारे नए दोस्त हैं, ये मूंग है, ये वो दूधी है, ये गेहूँ है, तो ये सारे दोस्त जो है वो जाके काफ़ी सारे लोगों में खुशियाँ बांटने वाले हैं और मुझ में भी एक नई जिम्मेदारी देने वाले हैं कि ये सिर्फ एक साल का व्रत नहीं था, ये ज़िंदगी भर भगवान के साथ बोला हुआ वचन है, तो वो मुझे मरते दम तक याद रखना और पड़ेगा। भी सुनील कुलकर्णी को और कहाँ कहाँ देख पाएंगे आप कभी प्रोजेक्ट्स में? मेरा एक मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर विच इज़ लाइंड अप अहेड। इसके बाद एक फिल्म आएगी जिसका नाम है होप और हम, इसमें मैं नसीर सर के साथ हूँ, और एक फिल्म है दिल दिमाग और बत्ती जिसके निर्देशक हैं ऋषिकेश गुप्ते, और एक मराठी फिल्म है जिसके निर्देशक है सचिन कुंडलकर, उसका नाम है गुलाब जाम। तो बहुत अच्छा काम है, मेरे दो प्लेस भी चल रहे हैं, एक नाटक है जिसका नाम है गर्दिश में तारे, उसके निर्देशक है सैफ हैदर हसन, और दूसरा है वाइट लिली और नाइट राइडर जिसकी मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ और मिलिंद फाटक उसके डायरेक्टर हैं। तो माय प्लेट लुक्स फुल, और उसके साथ पोएट्री प्रोग्राम भी है जो बाबा आमटे के पूरे साहित्य पर हमने एक पोएट्री प्रोग्राम बनाया है जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, एंड आई एम परफॉर्मिंग दैट शो इन बैंगलोर टुमारो, सो आई कीप ट्रैवलिंग विद माई प्लेज ऑल्सो।